बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद के जदयू प्रत्याशी कृष्ण नंदन के समर्थन में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिकरिया स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की। जनसभा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस बार सिर्फ छूटे हुए कामों को पूरा किया जाएगा। जब मौका दीजिएगा तो ये सब करेंगे। और लड़कियों के बारे में हम बता देते हैं कि अभी इंटर पास करती है तो 10,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 रुपया। अब अगली बार सरकार बनवाइएगा तो इंटर पास करने वाली लड़की को देंगे 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाने पर उसको देंगे 50,000 रुपया। कि हमारा मकसद क्या है, लड़का और लड़की सब में आत्मविश्वास का भाव आए और स्त्री और पुरुष मिलकर के काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा और बिहार को नई ऊंचाइयों पर। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें क ख का ज्ञान नहीं वो सरकार के कामों पर निशाना साध रहे हैं। कुछ लोग तो बयानबाजी करता है, मजा आता है उनको बयान देने से, हमको उससे कोई चिंता नहीं रहती है। हमको तो हंसी आती रहती है कि जिसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है वो कहेगा कि आगे हम क्या करेंगे। अरे कौन काम, कैसे काम, यहां पर जो एक एक काम किया। तो इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम काम करते रहें और जैसा हमने कहा पूरा प्रदेश एक परिवार है और सबकी सेवा करना, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करना, यही काम जारी रखेंगे और बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि इस बार भी आप जितवाइए और कृष्णनंदन वर्मा जी तो काम करने वाले आदमी ने। वहीं चुनावी सभा के आखिर में SC ST विद्यालय से हटाई गई महिला गार्ड सीएम से मिलने की जिद पर अड़ गईं। इतना ही नहीं, महिला ने भरी सभा में जमकर हंगामा किया जिसे काफी मशक्कत के बाद स्थानीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा समझा बुझाकर शांत कराया गया। किस चीज का आवेदन था? इस कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के अलावा सांसद और जदयू प्रत्याशी कृष्ण नंदन वर्मा भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट।